हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। क्या हो बेटा? और आराध्या, अभी जो सुबह का जितना भी क्लीनिंग वगैरह था वो सारा खत्म हो गया, तो मैं सोची क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। और आराध्या को भी हम नहला दिए हैं, और ये देखिए कैसे बदमाशी कर रही है, बोल रही मामा गोदी गोदी। हाय कर दो, तुम भी हाय कर दो। आराध्या गंदी लड़की है ना, ये हाय सुबह से बात नहीं करी। अच्छा से करो। हेलो, फ्रेंड किसी दे दो, फ्रेंड किसी। ये बहुत तेज हो रहे हो है, बहुत तेज। बोल दो गुड मॉर्निंग, हाय, फ्रेंड किसी भी दे दो। अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, आराध्या के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ देर के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, जो किचन का सुबह का काम होता है। और कल वाला ब्लॉग में ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, वो पढ़ के मेरा बहुत दिल खुश हो गया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी ना हम बेबी के लिए पाउडर बनाएंगे। तो बेबी अभी थोड़ा बड़ी होने लगी है ना, तो उसके लिए हम पाउडर बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले हम ताल मिश्री लिए थे, और उसके बाद तिक्खुर, फिर उसके बाद हम साबूदाना लेंगे। और ये तीनों को पीसने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसे मिक्सी में अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। और फिर उसके बाद काजू और बादाम जो है इसके साथ ही, मतलब चार पांच चीज़ मिला करके हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देख सकते हैं, फिर बहुत अच्छे से इसको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो आप जितना इसे बारीक पीसोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आपकी बेबी 1.5 साल से 2 साल के है, तो आप अपने बेबी को भी दे सकते हो, ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे रात में दूध के साथ खौला करके दो, जैसे आप लय बनाते हो ना, तो हल्का सा दूध में। मैं फर्स्ट बार ही दे रही हूँ, तो बाबू का पेट नहीं भरता है जो आराध्या है, तो ऐसे ही खाने में वो बहुत नाटक करती है, तो हम उसी के लिए पेस्ट बना रहे हैं। किसी भी तरह करके जिद करके हम उसे खिलाएंगे। तो यहाँ मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है पूरा ही, तो पाउडर बन गया है। हम इसे ना एक डब्बा में स्टोर करके रख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये 1-1.5 महीना तक तो आराम से चल जाएगा। और आप देख सकते हैं नीचे कितना सारा फैल गया है, तो कुछ करो तो ज़रूर ये सब फैल ही जाती है। तो ये सारा हम धोने के लिए निकाल दिए थे, और इसे हम सफाई कर लेते हैं। और एक साइड तो हम दूध चढ़ाए हुए थे, मेरा दूध भी हो गया था, और सब्जी हम पहले ही बना लिया। आप देख सकते हैं कढ़ाई, तो सब्जी बन गया था मेरा, और आटा गूंथ करके रख दिए थे। तो अभी हम रोटी सारा बना लेते हैं। तो हम सोच रहे थे पहले हम पाउडर बना लेते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं था इसीलिए, तो हम रोटी गरम गरम ही बना लेंगे। सब्जी बना रहता है तो रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगती नहीं है, तो सब्जी पहले ही बन गया था, अब रोटी बन रहा है। और एनिवर्सरी कपल्स को और बर्थडे गर्ल्स को मैं विश कर देती हूँ। तो अनिल और कुमकुम का है एनिवर्सरी, और नेहा जी का है बर्थडे, फिर उसके बाद है खुशी जी का भी है बर्थडे, और फिर अफरीन और सोनू का है एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस यू डियर, आप सभी के ज़िंदगी में ये साल बार बार आए और हर साल आए, मैं भगवान से दुआ करती हूँ। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी रोटी भी यहाँ पे बन के तैयार है, सब्जी तो पहले ही बन गई थी। और यहाँ पे आप रूम की मेरी हालत देख लो, अभी रुको जाना मत, अभी तो बहुत सारी बातें बची हुई है। तो अभी देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं बेडशीट सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बहुत सारी आज बातें करूंगी। तो बहुत सारा सवाल आया हुआ है आप लोगों से। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी जाके सारा काम खत्म हुआ है, अभी थोड़ा सा ही खत्म हुआ, पूरा खत्म नहीं हुआ था, सोचे क्यों ना आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो बहुत सारा सवाल है आप लोगों के मन में, जानना अच्छी बात है कि आप इसे पसंद करते हो, आप इसे जानते हो, उसके बारे में आपका जानने का जिज्ञासा हो जाता है, अच्छी बात है कि आप लोगों ने मुझसे सवाल किया। बहुत सारे ऐसे सवाल आए हुए हैं, दी आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो मैं वही सब बात आप लोगों से शेयर करूंगी। उससे पहले मैंने आप लोगों के कहने के लिए मैं बना ली हूँ इंस्टा आईडी, तो आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और आप अपना जो भी सवाल है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए, अब शायद आप लोग इतना परेशान नहीं होंगे, तो आप मेरे से जो भी बात करना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए बना लिए हैं, तो आप लोग वहां से हमको फॉलो करके जो भी आपकी डाउट है क्लियर कर लीजिएगा।
और हमारी शादी को लेके काफी ज्यादा बवाल मच गया है, तो तहलका सी मच गई है। बहुत सारा कमेंट भर भर के आया हुआ है मेरी शादी को लेके। तो मैंने बहुत बार बता चुका है आप लोगों को, ये हमारी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि आप लोगों को, आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, फिर आप लोग मेरे से सवाल करते हो। तो पूरी वीडियो देखिएगा, तो हर वीडियो में मेरा कुछ ना कुछ यूनिक होता ही होता है, कुछ टॉपिक होता है, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे कौन वीडियो बनाता है। तो हमारी शादी जो है लव मैरिज नहीं है, वो अरेंज मैरिज है। तो हमारी शादी मतलब हमारे मम्मी पापा ने फिक्स किया था, तो फिर यही है कि लव मैरिज में हम लोग बदल दिए थे, क्योंकि मम्मी पापा ने शादी जब फिक्स किया था ना हम लोगों का, तो उस वक्त मतलब जैसे ही हम लोग का शादी फिक्स हुआ तो हम दोनों बातचीत करने लगे। और मेरे हस्बैंड जी बहुत ही शर्मीले टाइप के हैं, वो तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, तो वो बिल्कुल भी मेरे से बात नहीं। तो जो मेरी मामी जी है ना, तो वही मतलब मेरे से बात करते, जो मेरी मामी सासू माँ है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा ब्लॉग में उनको, तो वही मेरे से बात करती थी और ज़बरदस्ती वो मतलब उनसे बात करवाई। तो फिर मैं धीरे धीरे उनसे बात करने लगी। 6 महीना तक हम लोगों का बातचीत चला शादी लगने से पहले। हमारा शादी नवंबर में फिक्स हुआ था, इसीलिए हम लोग पहले बातचीत करते थे। तो धीरे धीरे इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, फिर वो अच्छे से मेरे से बातचीत करने लगे थे, फिर हम लोग घूमने के लिए भी गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सारा सवाल का जवाब मिल गया है। तो अभी जितना भी काम था वो निपटा ली थी, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और मिलती थोड़ी देर बाद। A few moments later. अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ दी है, अभी देख सकते आराध्या सोई हुई है, मैं लेटी थी, थोड़ा सा मेरा रेस्ट हो गया है और अभी ये सोई हुई है। तो तब तक मैं किचन का जो भी काम है, छोटा मोटा जो भी किचन का छोटा मोटा काम है, वो जल्दी से मैं निपटाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो अभी हम दोपहर का खाना बना रहे हैं, तो हम चावल पहले ही चढ़ा दिए थे, तब जाके अपना ब्लॉग स्टार्ट किए, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर इधर कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं, और आज हम बनाएंगे लौकी, लौकी की सब्जी जिसे देसी लैंग्वेज में बोला जाता है कद्दू। तो कद्दू की सब्जी हम बनाएंगे। तो हमने ये कद्दू की जो पीस है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा काटेंगे, क्योंकि हमने दाल वाला ऐसे चना का जो दाल है ना, वही वाला हम सब्जी बनाएंगे। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गया था कद्दू को काटते काटते, तो तेल डाल दिए थे और हल्का सा तेल कड़क गया था ना, तो हम प्याज काट के रखे हुए, तो हम प्याज डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद हम मसाला डाल दिए थे इसमें। तो मसाला आप लोगों को पता ही है मैं क्या मसाला में यूज करती हूँ। फिर थोड़ा सा नमक हल्दी डाल दी थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ चने का दाल हल्का सा फ्राई हो गया था, तो देख सकते हम कद्दू का पीस कितना बड़ा बड़ा काटे हैं। और फिर इस तरह का ना सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ, तो घर में, मेरे घर में सबको पसंद आता है, और धीरे धीरे तो हमको भी पसंद आ ही जाता है। कहते हैं मेरा एक आदत है, मैं जैसा देखती हूँ ना, कैसे जैसा जगह है ना, वैसे में मैं रम जाती हूँ, मेरा एक ये आदत है। तो ये नहीं कि ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, तो मैं हर चीज़ को एग्जॉर्ब कर लेती हूँ, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अपने ज़िंदगी में बहुत सारे एडजस्ट किए मैंने बहुत, और अभी तक कर रही हूँ, और पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, समय के साथ सब चीज़ होता है। और उसके बाद यहाँ बदमाश को भी थोड़ा सा मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसको बालना मुझे 2 बार बनाना पड़ता है, इसे कितना भी कस के बांधो ना, ये टान टान के खोल ही लेती है। तो यहाँ इसका बाल भी हम बांध लिए, इधर पेट है, आँख कहाँ है, इधर है, अच्छा नाक, नाक कहाँ है, इधर भी है, नाक कहाँ है, नाक इधर है, कान कहाँ है, कान इधर है, बाल बाल कहाँ है, बाल बाल इधर है, बाल हाथ कहाँ है तुम्हारा, हाथ हाथ ये हाथ है, अब दोस्त किधर है, दोस्त इधर, दोस्त है, पाउडर लगाएगी, पाउडर लगाएगी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा हम नहीं गाएंगे, तुम देखिए पंखा चलाने गई है, पंखा ऑन हो गया, हो गया, क्या हो गया, पंखा ऑन कर दी। और अभी मतलब दोपहर वाला टाइम ही था, तो हम सोचे क्यों ना आराध्या को एक बार ये बना के दे देते, जो हम सुबह में जो पाउडर तैयार किए हुए थे ना, वो सारे चीज़ों से, तो हम हल्का सा दूध डाल दिए थे, और आप देख सकते इसी तरह गाढ़ा करके हल्का खौला लिए थे ना, तो फिर बाबू को हम खिला दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ही खाई, बिल्कुल भी वो नहीं खा रही थी। तो हम उसको कैसे खिलाते हैं उसको, वो मुझे ही पता है, इतना वो नाटक करती है खाने में, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो किचन का भी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो आपको पता है ये वॉलपेपर है,
तो ये ना बिल्कुल भी ऊपर से ना एकदम काई की तरह जम गया था और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज हम पूरे सरफ से इसको पोंछ रहे हैं बहुत ही देर से, मुझे लगा 10-15 मिनट से सिर्फ साफ करने में वॉलपेपर को लगा होगा। बहुत अच्छे से हम इसको चमका दिए हैं और इधर हम गैस भी साफ कर लेते हैं। तो अभी गैस का मेरा सफाई हो रहा है, फिर उसके बाद बहुत सारा काम है, ये सारा काम खाने के बाद मैं कर लेती हूँ फिर रेस्ट करती हूँ। तो अभी ना मतलब 3:30-4 बज ही गए हैं तो ये सारे काम करते और अभी किचन का सफाई हो गया। अभी देख सकते हैं यहाँ इतना सारा बर्तन रखा हुआ है अभी धोने के लिए, सब कोई खाना पीना खा लिया। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, तो जल्दी से चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ देख लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, बंदर आ गया। तो इतना सारा बंदर आ गया था ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब अचानक से मेरी नज़र बंदर पे पड़ी। और ये छोटा वाला देख सकते हैं, एक बंदर का गोद में छोटा सा बाबू था, कितना अच्छा लग रहा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है जैसे हम इंसान अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो वैसे जानवर भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। मैं देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बंदर अचानक से पता है मेरा नज़र पड़ गया और यहाँ इतना सारा बंदर आता है ना, क्या बताऊँ, वो पूरा तहस नहस करके जाता है। तो चलिए अभी पहले हम बर्तन धोते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, फटाफट बर्तन निपटाते हैं। और फिर उसके बाद सारा बर्तन हम क्लीन कर लिए थे और फिर सारा हम बर्तन भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बर्तन स्टैंड पूरा खाली खाली था, सारा बर्तन हम सेट कर दिए थे और आ गए थे रूम में। तो रूम का हम दो बार सफाई करते, एक बार सुबह में उठते ही और फिर एक बार दोपहर के टाइम, दोपहर भी नहीं होता ये, थोड़ा सा मतलब 4-4:30 बजे का बीच वाला सफाई जो होता है ना, एक बार हम शाम में सफाई करते, सब कोई करता है तो वही वाला सफाई। बहुत कोई कहते हैं कि दीदी आप दोपहर वाला काम मत, शाम में झाड़ू मत लगाया करो, दोपहर में मत लगाया करो, तो मैं कब लगाऊं, लेकिन मुझे ये लगाना पड़ता है ऐसा वाला झाड़ू। और फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि दीदी सब कोई सोए रहता है तो आप प्लीज़ घर में झाड़ू नहीं दो, तो यार मैं ऐसे कैसे हो सकता है, सब सोते रहते तो मुझे सबसे पहले उठना पड़ता है, सारा काम को निपटाना पड़ता है, तो फिर मैं कैसे ना करूं। आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और सब चीज़ देखो, सबका घर में अलग अलग होता है रहन सहन, रहने का तरीका। तो आप लोगों के वजह से मैंने बहुत कुछ चेंज किया, लेकिन ये चेंज करूंगी ना तो पता है सब 7 बजे सो के उठते, तो मैं 7 बजे सो के उठूंगी तो फिर मैं हर चीज़ में लेट ही हो जाऊंगी। खत्म। और आज मैंने अपना जो ब्लॉग है सोचा क्यों ना अपने खुशी के साथ एंड किया जाए। तो ये देखिए ये बदमाश है ना, ये बदमाश बहुत बदमाश है, ये कभी कभी ना पलंग की इतना नीचे चला जाता है कि इसको निकालने में ही नहीं बनता है, इसलिए मैं आप लोगों से ये इसको नहीं दिखाती। और आज ये बाहर ही खेल रहा था तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों से दिखाया जाए। बदमाश कहीं का देखिए, बहुत बदमाश करता है, ये बहुत बदमाशी करते रहता है, दिन भर इधर से उधर इधर से उधर करते रहता है। और अभी बज रहे शाम के 4:30, तो मेरा सारा काम हो गया है खत्म। तो हम सोचे क्यों ना हमारा ब्लॉग भी एंड किया जाए, तो हम आज अपनी खुशी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाबा, मस्त रहिए अपनी दुनिया में और बिंदास रहिए। चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ, टाटा।